Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. और मजे की बात दोस्तों ये है कि ये शो अब हिंदी में भी आएगा. हेलो एंड वेलकम गाइस टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड माय नेम इज़ कौशिक पांडे. चलिए शुरू करते हैं आज की शुरुआत. तो दिखाते हैं सबसे पहले द मॉर्निंग कोट ऑफ द डे जो कि ये रहा अब आपके सामने. ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल. बड़ा सोचें और फेलियर से ना डरें. ये हमारी आज की शुरुआत है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ले चलते हैं आपको सबसे पहले हमारी आज की पहली खबर पर. उससे पहले दोस्तों इसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल होगा. वंस द शो कंप्लीट्स वो PDF आपको अवेलेबल होगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आपका शो खत्म हो जाएगा तब. तो नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट ऑफ द हेडलाइंस गाइज जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. KM जोसेफ takes oath as the new Supreme Court judge. Justice KM Joseph, who was the Chief Justice of the Uttarakhand High Court, set aside the centre's decision to impose presence rule in 2016, has finally been appointed as the Supreme Court judge. इन्हें finally इसका proposal करीब 3 महीने पहले से था and now yesterday he was appointed as the new judge of the Supreme Court. तो Supreme Court में अभी इंदु मल्होत्रा की बात हुई थी, अब बात हो रही है KM Joseph की जो नए जज हैं in the Honorable Supreme Court. चलिए आपको दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट गाइस. इस्टैब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑन 28 जनवरी 1950. द मैंडेटरी टर्म दैट इज़ द टर्म जिसके ऊपर आप नहीं कर सकते हैं दैट इज़ 65 ईयर्स 65 साल से ऊपर यू कैन नॉट बी अ जज. द टोटल पोजिशंस दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आर 31. द करंट स्ट्रेंथ इज़ 25. अगर हम बात करें हु इज़ द करंट मुख्य न्यायाधीश या करंट CJI का फुल फॉर्म है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो उनका नाम है जस्टिस दीपक मिश्रा. वो इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं. ये न्यूज़ में क्यों है? इट इज़ अ न्यूज़ बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर. मतलब जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं उनका जो अध्यक्ष है, उनका जो लीडर है, दैट लीडर गाइज इज़ द CJI हु इज़ करेंटली मिस्टर दीपक मिश्रा. इसके अलावा उन्होंने अप्रूवल दिया था फॉर द कॉन्ट्रोवर्शियल कावेरी मैनेजमेंट स्कीम. इसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दिया था. तो दीज आर द टू रीजंस व्हाई द सुप्रीम कोर्ट वाज इन न्यूज़. तो बहुत ही सिंपल सी खबर है कि KM जोसेफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. चलिए लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं टू डायरेक्ट फर्स्ट स्पेशली द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट लॉयर टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज वो बिल्कुल सही है दैट इज इंदू मल्होत्रा. ओके आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अब आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज देयर आर 2 पीपल. 2 आदमी 2 ऐसे लोग हैं जिनमें पहला है द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स कोऑर्डिनेटर. उनका नाम है प्रतीक हजेला दैट इज़ नंबर 1 एंड दूसरे जो यहाँ पर हैं उनका नाम है ही इज़ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया दैट इज़ M. सैलेश. उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है they have threatened them that they can go to jail due to contempt of court. उन्होंने जो कोर्ट का डिसीजन था उसकी जो डिटेल्स थी उसके बारे में बातचीत की. दे हैड डिस्कस्ड अबाउट द मैनर द मैकेनिज्म हाउ द NRC वॉज डन. तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए था. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरली स्टेटेड, उसने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आपके ऐसे लोग हैं हु हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू द मीडिया विच वॉज नॉट बेसिकली इम्पॉर्टेंट विच वॉज नॉट बेसिकली रेलिवेंट टू द मीडिया, जिसको उन्हें मीडिया को नहीं देना चाहिए था, उसके लिए दे हैव क्वेश्चन 2 पीपल. 1 इज़ द NRC कोऑर्डिनेटर मिस्टर प्रतीक हजेला एंड दूसरे जो हैं उनका नाम है द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर सैलेश. देखिए इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि वंस दी एनआरसी इज़ डन, जब आपका एनआरसी बन गया है तो उसके बाद देयर विल बी अ पर्टिकुलर एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा जिसके तहत द गवर्नमेंट विल डील द ऑब्जेक्शंस एंड द क्लेम्स ऑफ द पीपल ऑफ असम। जो असम के लोग हैं उनके जो रिजेक्शंस हैं, उनके जो एक ऑब्जेक्शंस हैं, उनको बेसिकली दे विल केटर वंस द एनआरसी इज कंप्लीटेड। सो इसको लेकर उन्होंने डांट लगाई है टू दिस पीपल एंड जो एसओपी का एक टेन्योर है दैट विल बी इट विल बी फिक्स्ड ऑन अगस्त 16। तब तक इस एसओपी को सबमिट करना है टू द सुप्रीम कोर्ट। आइए दिखाते हैं आपको, इसका हिंदी देखिए दिया भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने असम के नागरिकों के लिए जो एनआरसी बना है उसके उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं, उनको एंड रजिस्ट्रार जनरल को हड़काया है बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द एनआरसी टू द मीडिया। अभी सरकार खुद कोशिश कर रही है टू हैव एन एसओपी, जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, जो यहाँ पर एक वर्ड आपके एग्जाम में आएगा एंड दैट शुड कम दिस ईयर्स एग्जामिनेशंस, दैट इज द एनआरसी। दो इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, दो इट्स समथिंग कंटेंशियस, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये थोड़ा सा बवाल वाला भी है, पर एग्जाम में आ सकता है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ द एनआरसी ऑल अबाउट। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। देखिए एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, सबसे पहले नंबर वन। नंबर टू, बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड नेम्स ऑफ द इंडियन पीपल which differentiates from the Indian people from the foreigners. मतलब एक ऐसा database है which will provide us, the other people, the government with an idea who all are the people of India and who all are basically foreigners. Now this particular database is updated periodically, but there is a particular state called as Assam, जहाँ पर इसको 1951, yes mark my words, it has not been updated since the year 1951, 1951 से ये आपका अपडेट नहीं हुआ है and now it is being updated as per the Citizenship Act of 1955. तो बहुत ही सिंपल दोस्तों खबर है कि जो NRC है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नंबर वन। नंबर टू सवाल बनेगा कि NRC क्या है। NRC इज़ बेसिकली डेटाबेस फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन इंडियन लोग एंड बाहरी लोग, नंबर टू। नंबर थ्री, 51 में असम में हुआ था, उसके बाद असम में अपडेट नहीं हुआ, अब जाकर वहाँ पर अपडेट हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनेंगे अबाउट NRC, अबाउट SOP, अबाउट द एनआरसी इन असम। तो ये तीन सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ आपको क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, येस सर वी अंडरस्टूड, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ अगर आपको पसंद नहीं आया लिख सकते हैं, पर अगर आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक मत कीजिएगा शो को, पर लिख दीजिएगा येस सर वी हैव अंडरस्टूड। एक सवाल आ रहा है फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा, व्हाट इज़ SOP? SOP आर बेसिक गाइडलाइंस, एक गाइडलाइन होगा कैसे हम रिवील करें, कैसे हम ऑब्जेक्शंस को टैकल करें, हाउ डू वी सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ द पीपल ऑफ असम। तो वो एक जो गाइडलाइंस होगा वो आपका होगा SOP। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने। देयर वॉज अ वेरी फेमस कन्नड़ा राइटर, ही वॉज अ पोएट, ही ऑल्सो वॉज अ ट्रांसलेटर ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज, हिज नेम वॉज सुमातींद्र अर्नादिक, ही वॉज 83 ईयर्स ऑफ एज एंड ही हैज़ बेसिकली passed away. He wrote 11 collections of poetry including the last one called as Jate Matu Chetna, और उनका basically यहाँ पर देहांत हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ें गौर करनी पड़ेगी। पहला, इनका नाम, द नेम ऑफ दिस राइटर पोएट वॉज सुमातिंद्रा आर नादिक, ये इनका नाम था, और ही वॉज बेसिकली अ कन्नड़ा राइटर। तो इनकी जो लैंग्वेज ऑफ रेपर्टोयर है, जो इनकी लैंग्वेज ऑफ राइटिंग है, दैट इज़ कन्नड़ा। एंड इनकी जो एक आखिरी एक जो पोएट्री की एक वर्क है दैट इज़ जाते मातु चेतना। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक बार आप फिलहाल देख लीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ही सिंपल सी दोस्तों खबर है एंड दिस हेडलाइन इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन दी ऑबिचुअरी सेक्शन, जो देहांत का सेक्शन है उसको बेसिकली आपका फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। SC दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट नाउ हैज़ 3 वुमेन जजेस। तो दोस्तों आज हमारी ये थर्ड खबर है। अर्लियर वी रेड अबाउट द थ्रेटनिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट टू कन्वेनर एंड ऑल्सो टू द रजिस्ट्रार जनरल Second, we heard about KM Joseph. He became the new Supreme Court judge. And third, guys, we are focusing on Supreme Court now has 3 women judges. Earlier, before the appointment of Indu Malhotra, there were only 1, but now there are 3 judges, 3 women judges in this particular High Court. दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि apart from the earlier 2, the third High Court judge, उनका नाम है Justice Indira Banerjee. She was also made the Supreme Court judge. It is the first time, और ये बहुत interesting बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि Supreme Court के अंदर 3 वुमेन जजेस हैं. ऐसा पहली बार हुआ है. There are 3 sitting judges in the Honorable Supreme Court. The other 2 judges, or the other 2 women judges are Justice R Bhanumati and Indu Malhotra, जो कि first women judge हैं, first Supreme Court women judge हैं, who was directly appointed from becoming a lawyer. तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 जजेस हो गई हैं अब सुप्रीम कोर्ट में. मिसेस जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस आर बानुमती एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये 3 जजेस हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया है प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, बट बता दीजिएगा कि येस सर वीव अंडरस्टूड. मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं. द शो हैपन्स एवरी डे एट 7, दी डेली MCQ हैपन्स एवरी डे. तो ये 2 शोज़ आपको देखने हैं डेली बेसिस पर, because these 2 shows focus on the day's current affairs. तो एक morning का शो 7 बजे, and then we have a daily 25 MCQ, उसको भी आपको देखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको अगली खबर. गुरुमूर्ति has been appointed to the board of the RBI. RBI appointed 2 people, that is S. Gurumurthy, number 1, and number 2, number 2 सतीश काशीनाथ मराठे. इन दोनों लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसमें 4 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है. दोस्तों, अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एन RBI, तो RBI हैज़ अ सेंट्रल बोर्ड. RBI हैज़ अ सेंट्रल बोर्ड, ऑल राइट. And a central board basically has 2 subcategories. One is the official directors and the other is the non-official directors. All right. Now, official directors are basically 5. In the 5, 1 is the RBI governor and other 4 are the deputy governors. All right. And the rest of the others in the management in the central board are non-official directors. So overall there are 21. All right. So in 21, 5 are official directors and the remaining 16 basically are non-official directors. तो जो बाकी 16 हैं उनमें से 2 बने हैं नए. उनमें नाम है S. Gurumurthy number 1 and number 2 we have Satish Kashinath Marathe. These 2 people have been made as the non-official directors in the central board of the Reserve Bank of India. अब दोस्तों जानते हैं कि apart from this, इसके अलावा आपकी RBI न्यूज़ में क्यों है, why is the RBI in news. तो आइए दिखाते हैं आपको इसी हेडलाइन के बारे में. देखिए यहाँ पर ये आपके सामने कि आरबीआई आखिरकार इसके अलावा व्हाई वाज इट इन द न्यूज़ इन द प्रीवियस वीक्स. विकास तोमर मेरे भाई में जिगर के टुकड़े, ये जो हेडलाइंस हैं ये हेडलाइंस आरआरपी एएलपी के लिए भी हैं, सबके लिए हैं. करंट अफेयर्स इज सर्वव्यापी. करंट अफेयर्स कभी कभी अपने आप से कहता होगा अपन तो भगवान है, ऐसी बात है, बिकॉज इट इज़ इन एवरी एग्जाम. हर एग्जाम में आपका ये आता है. ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट आरबीआई के बाद. देखिए आरबीआई हैज़ इशूड अ 100 रुपी नोट जो कि लैवेंडर कलर का है, ये भी एक न्यूज़ में था. देन आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड अ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. सिमिलरली जो आरबीआई ने एलआरएस जो कि एग्जाम में आया था एसबीआई के अंदर, एलआरएस को चेंज किया है. एलआरएस का सवाल आया था कि व्हाट डज आर स्टैंड फॉर या व्हाट डज एल स्टैंड फॉर. ये एसबीआई पीओ या क्लर्क मीन्स में आपका आया था. तो एलआरएस बेसिकली स्टैंड फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स. तो ये 3 चीज़ें हैं जिस वजह से आपका आरबीआई न्यूज़ में था, अपार्ट फ्रॉम गुरुमूर्ति बिकमिंग द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं. तो दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं शो को अच्छा करने की. पिछले कुछ समय से शो इरेगुलर हुआ है, वो मेरी गलती है, उसको भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसके लिए आपका यहाँ पर हमें सपोर्ट एंड फॉलोइंग चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप ये हेडलाइन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन। दोस्तों अगर यहाँ तक क्लियर है प्लीज़ बता दिए कमेंट्स में, येस सर वी अंडरस्टूड। ओके अब दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने। लेट्स फोकस ऑन द फाइनेंशियल टर्म गाइस, विल फोकस ऑन, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम किसी ना किसी फाइनेंशियल टर्म पर फोकस करेंगे। जरा वापस बस स्क्रीन पर आ जाए। एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे है, प्लीज़ टेल मी द फीचर्स ऑफ द ₹100 नोट इन लैवेंडर कलर। जो ₹100 का नोट का लैवेंडर कलर का नोट है उसके फीचर्स क्या क्या? देखो लोग यहाँ बता भी रहे हैं कि द मोटिव वॉज रानी की वाव, जो कि उसका रूपांकन था उसके पीछे। सिमिलरली जो उसका एक डिमेंशन था दैट वाज 66x142 मिलीमीटर्स। सिमिलरली जो उसका कलर था दैट वाज इन लैवेंडर। तो ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी अगली हेडलाइन। दोस्तों दो हमारी आज की फाइनेंशियल टर्म्स है, पहला है हमारा प्रोविजनिंग एंड सेकंड जो हमारा है दैट इज़ द एनसीडी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन व्हाट अ प्रोविजनिंग इज एंड देन विल फोकस ऑन एन एनसीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले एनसीडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये बेसिकली गाइस इसका फुल फॉर्म है। और राइट अब बेसिकली होता क्या है, देखिए डिबेंचर इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस अ डेप्ट। बात समझिएगा ध्यान से, डिबेंचर हम इसकी बात कर रहे हैं, हम एनसीडी के फिलहाल बात कर रहे हैं एंड वी आर फोकसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस अ डेप्ट। अगर एक कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया है, इफ़ अ कंपनी हैज़ बोरोड फ्रॉम द मार्केट, दैट बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड एज अ डेप्ट एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट डेप्ट इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर। सबसे पहले आई होप क्लियर हो गया होगा। एनी डॉक्यूमेंट विच विल एक्नॉलेज अ डेप्ट विल बी कॉल्ड एज अ डिबेंचर, नंबर वन। नंबर टू, if this document can be converted into shares, it will be called as CD, that is convertible debentures. And if it cannot be converted, it shall be called as a non-convertible debenture. So बहुत ही simple सी यहाँ पर दोस्तों खबर है। जैसे कि भोला जी हैं, अब भोला ने एक कंपनी, भोला की कंपनी का नाम है भोला माला माल। Now that particular company took a loan from a customer. All right, that company, that is Bhola Mala Mal or BM, will basically provide a debenture to the customer. Now it can offer the debenture into two types. Either it can give them a convertible debenture कि आप चाहें तो एक समय के बाद after a particular thing you can convert a debenture, या फिर आप उसको convert करने का option ना दें. So a debenture which can be converted into an equity, into a share, that will be called as a convertible, and if that is not the case, if it cannot be converted, it will be called as an NCD. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे हमारे यहाँ पर हेडलाइन की जो कि है प्रोविजनिंग। अब प्रोविजनिंग बेसिकली होता क्या, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें, मान लेते हैं वी हैव भोला, ऑलराइट, भोला बड़ा भोला है, ओके। नाउ भोला टुक अ लोन फॉर हिज मैरिज, तो भोला वेट्स भोली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड, अच्छा नाउ हियर इफ अ लोन इज टेकन, इफ अ लोन इज गिवन बाय अ बैंक, देन एवरी लोन हैज अ रिस्क अटैच्ड टू इट। Every loan basically has a risk attached to it. Now, whenever the bank will provide a loan, it will keep a sum which shall be as a reserve. कल को अगर ये loan NPA बनता है, then this sum can be used. बात समझिएगा फिर से। बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, कि भोला हैं, भोली हैं, भोला ने शादी की भोली से और यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो उसने लिया. अब द बैंक विल बेसिकली प्रोवाइड अ लोन एंड इट विल कीप अ सम कि अगर कल को ये लोन NPA बनता है तो उस सम का जो इस्तेमाल हम कर पाएँ उसकी रिकवरी के लिए. सो द प्रोसेस थ्रू विच अ सम इज़ केप्ट, द प्रोसेस इन विच अ सम इज़ केप्ट for recovering the future NPA, that process is basically called as a provisioning. एक ऐसा process जहाँ पर जो NPA है मतलब non performing asset है, मतलब जो bad loan है, इससे अगर बचना है, इससे अगर हमें इसको अगर रिकवर करना है तो उसके लिए हमें हम कहते हैं इसे एक नॉन परफॉर्मिंग असेट. सो बहुत ही सिंपल सी दोस्तों यहाँ पर बात है इन वेरी लिटरल सेंस. द प्रोसेस थ्रू विच अ सम इज केप्ट for recovering the future losses, that process guys is basically called as a provisioning. तो एक बार दिखा दें आपको इसी का हमारा हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने, देखिए दिया हुआ है. यहाँ पर मैं आपके मार्क भी कर दूंगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को. देखिए यहाँ देख सकते हैं the loan loss, one second, the loan loss provision represents the amount of principal that is not expected to be recovered from the debtors. इसे basically हम कहते हैं एक provisioning. NPA लोग पूछ रहे हैं, NPA is non-performing asset, NPA is bad loan. अगर आपने लोन लिया और सही समय वापस नहीं किया तो उस लोन को हम कहते हैं non-performing asset. I hope this is clear to everyone. Okay, let's now focus on the next of the headlines guys, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. Let's focus now on the other headlines. And I hope, अच्छा आगे बढ़ने से पहले I hope आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा. प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच टू द 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मार्क बाय 14th of August. अगर आप करेगी तो हमें अच्छा लगेगा, दिल गार्डन हो जाएगा. सो इफ़ यू कैन लाइक द सब्सक्राइब चैनल दैट विल बी ऑल राइट. चलिए अब बात करते हैं हम अपने अदर हेडलाइंस की. लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट ऑफ द हेडलाइंस गाइज. मैत्री 2018 विल हैपन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विच इज़ बेसिकली अ joint exercise in Thailand. जो मैत्री 2018 एक्सरसाइज है that is happening basically. It is happening in Thailand. थाईलैंड में आपका ये हो रहा है and ये आपका इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2 इसका जो एक टाइम पीरियड है that is between August 6 to August 19. इसके बीच आपका ये होगा और ये कब होगा ये आपका चल रहा है. नंबर 1. नंबर 2 इससे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की और थाईलैंड की उसको यहाँ पर बेहतर बनाया जाएगा. दैट is the reason why इसको यहाँ पर काम किया जाएगा. सो मैत्री 2018 which is a defense military exercise. again ये important है रेलवे के लिए, SSC के लिए, बैंक के लिए, UPSC के लिए. तो ये हुई आपकी इंडिया और थाईलैंड के बीच और ये हैपन हो रही है, चल रही है आपकी 6 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने. RISE-CREEK which is an project under which is basically 300 chips of microprocessors which is under the Project Shakti are being developed in IIT Madras under the Project Shakti. तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर खबर है कि RISE-CREEK which is the name of the 300 batch of microprocessors made in IIT Madras are being developed and इसकी खबर दी है by the government of India. तो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए दिया भी हुआ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कि the first of the family of 6 industry standard microprocessors have been developed under Project Shakti. इसका नाम है RISE-CREEK और basically this project was started in 2014 as an IIT Madras initiative and also funded by the Ministry of Electronics and IT. तो उनके साथ ही आपका हुआ था और अब जो पहला उसका एक बैच है, the first batch of the microprocessors that is RISE-CREEK, उसको basically यहाँ पर launch किया गया है. देखिए basically अगर हम बात करें, मैं बार basically बोलता हूँ तो basically मैं काट दूंगा अब यहाँ पर. अगर मुद्दे की बात करें यहाँ पर तो 300 चिप्स हैं. नंबर 1. नंबर 2 this will be a part of RISE-CREEK. नंबर 3. नंबर 4 important कि this RISE-CREEK is under Project Shakti. नंबर 5 Project Shakti is being funded by the IITM and also by the Ministry of Electronics and IT. तो वो इसको यहाँ पर फंड आपका करेगा. तो I hope ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गया है. एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा yes sir and मैं I will start blocking all those people who are using abusive languages. तो again I'm sorry from my side बट गाइज प्लेटफॉर्म कैसा भी है, प्लेटफॉर्म अब्यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपसे, yesterday a very major incident happened on YouTube or our YouTube comments. We've reported it to the cybercrime cell. You can hate our channel, you can dislike our videos, but please do not abuse anyone, especially the females, especially the female teachers who are teaching here, because if you do we will report it to the cybercrime. And अगर आपको लगता है कि आपके नाम अजीब रखने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप पकड़े जाओगे, you will be nabbed. So guys understand, if you are here to get nurtured and taught, प्लीज़ वो काम करें। पसंद नहीं आता है मत देखें, पर प्लीज़ अब्यूजिव लैंग्वेजेस यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस गाइज, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। द गवर्नमेंट अप्रूव्स 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर द इम्प्रिंट स्कीम। जो हमारी गवर्नमेंट है वो 122 नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगा, विच शैल बी अ पार्ट ऑफ द इम्प्रिंट स्कीम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में सवाल आएगा, दैट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट। उसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर देयर इज़ एन अप्रूवल ऑफ 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स। 122 आपके नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बेसिकली लॉन्च किया गया है। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एनर्जी, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, डिफेंस डोमेन्स, स्पेशली इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए हिंदी में, फिर विल रिपीट इन इंग्लिश। जो मंत्रालय है ह्यूमन रिसोर्स का, एचआरडी का, मानव संसाधन का, उन्होंने 122 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसकी कीमत है 112 करोड़ नंबर वन। नंबर टू, ये फंडिंग की गई है अंडर इम्प्रिंट टू। सवाल एग्जाम बनेगा इम्प्रिंट का फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म इज इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो आपके फील्ड्स हैं वो एनर्जी में है, हेल्थ केयर में है, सिक्योरिटी में है, डिफेंस में है, इन सारे फील्ड्स में आपके यहाँ पर ये आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी खबर है कि द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर द इम्प्रिंट स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने। अजय दाता, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ICANN CCNSO काउंसिल मेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN? देखिए स्क्रीन पे आपके सामने दे भी रहा होगा। दिस इज द फुल फॉर्म, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। सेकंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCNSO? इसका फुल फॉर्म है कंट्री कोड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दो चीज़ें पहले आपको याद रखनी है कि अजय दाता जो है, ही हैज़ बीन मेड अ मेंबर ऑफ द ICANN CCNSO काउंसिल। यहाँ पर दो चीज़ एग्जाम में आएगी। सबसे पहला ICANN का फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स नंबर वन। एंड नंबर टू, CCNSO का फुल फॉर्म दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म है कंट्री कोड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नंबर टू। नंबर थ्री, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द CCNSO। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें इसका मेंबर बनाया गया है। और अगर बात करें तो ICANN एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोमेन नेम्स देती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल bankersAdda.com, फॉर एग्जाम्पल flipkart.com। दीज आर domain names. So these domain names are basically given by the ICANN and also by the CCNSO. ये दोनों ही आपकी उसको देती हैं। एंड उसके मेंबर बने हैं आपके अजय दाता। देखिए हिंदी मैंने आपको दे दिया है कि जो ICANN है उसके बने हैं नए मेंबर और उनका नाम है मिस्टर अजय दाता, जो कि स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश कमल, आई अंडरस्टैंड यार, मेरी गलती है दैट आई एम इरेगुलर, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आई एम रेगुलर फ्रॉम टुडे, एंड उसके लिए मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार हूं, एंड वी आर ट्राइंग टू बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न, बट आई अंडरस्टैंड द इशू गाइज, एंड आई पर्सनली विल ट्राई टू बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही अब आपके सामने। NHAI inks an MOU with SBI for long-term unsecured loan of rupees 25,000 करोड़। बड़ी खबर है दोस्तों। The reason is because this is the biggest unsecured loan given by SBI to any organization. तो SBI ने basically सबसे बड़ा अब तक का long-term unsecured loan अपना दिया है to the NHAI, and that particular loan has been given to the National Highway Authority of India। और उसका जो amount है दोस्तों, that इज़ 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ का अमाउंट है और ये आने वाले 10 साल के लिए यहाँ पर किया गया है। पूजा सिंह जी के यहाँ एक और झूठ मैम, अब आप जो समझें। ओके, सो NHAI बेसिकली हैज़ बिन गिवन अ लोन बाय SBI एंड ये सबसे बड़ा उनका लॉन्ग टर्म का अनसिक्योर्ड लोन है। तो याद रखिएगा सवाल बनेगा कि which of the following organizations has been provided a long term loan by the SBI? The answer to that question will be it is the National Highways Authority of India. चलो दिखाते हैं अब आपको। अच्छा सवाल आ रहा है सर, व्हाट इज़ अनसिक्योर्ड लोन, मौमिता का। देखिए अनसिक्योर्ड लोन इज़ अ लोन विदाउट अ सिक्योरिटी, अ लोन विदाउट अ कोलैटरल। मतलब जब आपने लोन लिया और उसके एक्सचेंज में आपने कुछ नहीं दिया, देयर इज़ नो सिक्योरिटी केप्ट एज अ कोलैटरल एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। तो लोन पे जब कोई भी आपका सिक्योरिटी नहीं होता उसे हम कहते हैं उसे हम बेसिकली कहते हैं एक अनसिक्योर्ड लोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। ये न्यूज़ कल की है, मानता हूँ कल मैं छुट्टी पे था भाई, इसीलिए मैं न्यूज़ को आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर एक चीज़ कर रहा हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको। अब बारी है हमारे आज के क्वेश्चंस की। ये रहा आपके सामने द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड न्यू प्लान्स टू चेंज द लॉ फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन टू एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर ऑर्गन्स विद इन द इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़ इन द कंट्री। उस कंट्री का दोस्तों नाम क्या है? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, that is UK, that is United Kingdom. चलिए दिखाते हैं अगला सवाल। The iconic मुगल सराय स्टेशन has been renamed as, जो मुगल सराय का स्टेशन है उसका अब नया नाम दोस्तों क्या है? The answer is it is दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। आते हैं हमारे अगले सवाल पे। In Women's Hockey World Cup, which of the following has won the World Championship for the record 8th time, 8वीं बार उन्होंने World Championship जीती है महिला की हॉकी में। The answer is option D, that is Netherlands। इस सवाल पे आते हैं। गगनजीत भुल्लर has won the maiden European Tour title at Fiji International in Natatola Bay. Which sport is he related? कौन से स्पोर्ट से उनका संबंध है? The answer is option C, that is golf। गोल्फ पे उनका संबंध है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आते हैं। इनमें से उस शहर का नाम बताइए जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता का पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप लॉन्च किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड द डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बेंगलुरु। इन दैट पर्टिकुलर सिटी दे हैव लॉन्च्ड द स्टार्टअप इंडिया डिफेंस स्टार्टअप इंडिया चैलेंज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa recently won the country's landmark elections in Zimbabwe. Zimbabwe got independence from Britain in. अभी हाल ही में जिम्बाब्वे न्यूज़ में था। सवाल यहाँ पर है कि आपका जिम्बाब्वे ब्रिटेन से अलग कब हुआ, आज़ादी कब प्राप्त हुई? द आंसर इज़ 1980 में जिम्बाब्वे was basically disassociated with UK, with Britain। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। PhD Chamber of Commerce and Industry, that is PhD CCI and CNI have signed an MOU to establish the India-Nepal Center. What does CNI stand for? PhD CCI ने और CNI ने एक MOU साइन किया है जिससे कि वो इंडिया नेपाल सेंटर बनाएंगे। सवाल है कि इसमें CNI का फुल फॉर्म क्या है? एंड द आंसर गाइस हियर इज आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्रीज़। ये बेसिकली इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होने वाला है। दिखाते हैं आपको अगला सवाल। द 51st आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली इन। जो 51वीं आसियान मीटिंग है विदेश मंत्रियों की वो हाल ही में इनमें से कहाँ हुई? इज़ इट जिनीवा, इज़ इट न्यूयॉर्क, इज़ इट पेरिस, इज़ इट सिंगापुर? कहाँ पर आपकी हुई द 51st आसियान मीटिंग? एंड द आंसर गाइस हियर इज आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ सिंगापुर। सिंगापुर में आपका हुआ द 51st आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। नेक्स्ट बात दोस्तों आते हैं। In the 29th meeting of the GST Council, the Finance Minister announced how much % cashback for digital transactions done via भीम, रुपे और USSD मोड। इनमें से कितना पैसा वापस करने की बात की है, कितना पैसा परसेंटेज पैसा वापस करने की बात की गई है बाय द GST Council, स्पेशली इन द ट्रांजैक्शंस कैशबैक फॉर ट्रांजैक्शंस इन भीम, रुपे एंड USSD? द आंसर गाइस हियर इज द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ 20%। 20% डिस्काउंट देने की बात यहाँ पर कही गई है। और आते हैं हमारे अब आखिरी सवाल पर। डैश हैज लॉन्च्ड द स्टार्टअप एकेडमिया अलायंस प्रोग्राम to fulfill the Indian government mission to promote the spirit of entrepreneurship in the country. इनमें से कौन से मंत्रालय ने देश में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के मिशन को पूरा करने के लिए स्टार्टअप अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम को शुरू किया है? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑल अबाउट? वेल द आंसर गाइस हियर इज, द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टार्टअप इंडिया। उसको बेसिकली उन्होंने यहाँ पर शुरू किया है। दोस्तों अभी शो खत्म नहीं हुआ, बिकॉज अब बारी है हमारे आज के मैप सेक्शन की, एंड जो आज हम मैप डिस्कस करेंगे टुडे गाइज विल डिस्कस the map of the map of Maharashtra. It has always been one of the most economically rich states of the country. एक ऐसा state है जो ना सिर्फ पैसे को लेकर काफ़ी rich है, but साथ ही साथ सूखे, which is basically called as drought, उसको लेकर भी फिक्रमंद है। It is basically very concerned not only about the riches but also about the drought that happens in that particular state. तो आइए बात करते हैं हम MP के बारे में। तो दिखाते हैं आपको हमारी next slide। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मध्य प्रदेश का आपको मैप दिया हुआ है, जहाँ पर जहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ऑन वन साइड वी हैव मध्य प्रदेश, ऑन द अदर साइड वी हैव द तेलंगाना, देन वी हैव कर्नाटका ऑन वन साइड. On one side we have the Great Sea, that is the Arabian Sea. You can also see various ports जो कि इसके यहाँ पाए जाते हैं। गुजरात के साथ भी इसका एक उसका भी एक नेबर आपके सामने दिख रहा है। तो बेसिकली महाराष्ट्र हैज़ बीन सिमिलरली, छत्तीसगढ़ भी इसके साइड में आपको दिख सकता है। सो बेसिकली बात करें तो the state of Maharashtra is neighbored with various other bigger states, with various other states which are economically very rich. For example गुजरात आप सब जानते हो, कर्नाटका आप सब जानते हो, तो ये इसके एक नेबर्स हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इस महाराष्ट्र के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल मेरे आपसे दो बनेंगे। सवाल पहला बनेगा हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर, नंबर 1, एंड नंबर 2 हु इज़ द करंट गवर्नर। ये दो सवाल आपको बताने हैं, बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 7 रिवर्स हैं विच आर बेसिकली फेमस रिवर्स ऑफ महाराष्ट्र। इनमें जो फर्स्ट रिवर है उसका नाम है द गोदावरी रिवर, on which we have the Jayakadi Dam. It is also the second longest river in India. ये भी देखिए दिया हुआ है नंबर 1. नंबर 2 we have the Tapti river. उसके ऊपर आपका बिसालपुर का डैम है. Then we have the भीम river. उसके ऊपर उज्जानी डैम है. Narmada river. It is also called as Riva. बेसिकली इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, और ये इंडिया की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है. देन वी हैव द कोयना रिवर विच हैज़ द कोयना डैम. Then the Panganga which has the Isapur Dam, and then we have the Pench River which has the Totla-Do Dam. तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दिया भी हुआ है कि we have the top 7 rivers जो कि mentioned है from the state of Maharashtra में। कभी मुझे wonder होता है कि इतना कुछ देने के बाद भी अगर 38 लोग, if 38 people dislike the show, it really breaks my heart. But still I do not care about the haters because करीब 500 के ऊपर लाइक है, तो वही अच्छी बात है कि people are at least liking the show. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। देन वी हैव 6 लेक्स, 6 हमारी यहाँ पर लेक्स हैं जो कि स्क्रीन पर भी फ़िलहाल आप देख सकते हैं। इनमें जो फर्स्ट लेक है दोस्तों, दैट इज़ द लोनार लेक. बेसिकली ये आपकी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है. देन वेना लेक महाबलेश्वर में है. रनकला लेक कोल्हापुर में है. उपवन लेक थाने में है. अंबाझरी जो लेक है वो आपकी नागपुर में है. एंड देन वी हैव द विहार लेक विच इज़ बेसिकली इन द स्टेट ऑफ विहार विलेज। जो लोग को लग रहा है कि सर इतना डीप में नहीं आता, एक बार SBI का पेपर दे दीजिएगा, वहाँ सवाल आया था अमानगढ़ के वाले में, वहाँ सवाल आया था आपके फेस्टिवल इन मेघालय के बारे में, मणिपुर के बारे में सवाल आए थे। तो भाई सवाल आते हैं, अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपकी गलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं अब आपको हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। देन गाइज इन टर्म्स ऑफ द एयरपोर्ट्स, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है, जो सबसे फेमस एयरपोर्ट है, विच इज़ द छत्रपति शिवाजी नेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है. देन वी हैव द बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट विच इज़ इन नागपुर. देन वी हैव द औरंगाबाद एयरपोर्ट जो कि आपका औरंगाबाद में. तो ये 3 शहरों में आपके एयरपोर्ट्स हैं, एक औरंगाबाद, एक छत्रपति शिवाजी, एक डॉक्टर बाबा साहेब. सिमिलरली बात करें इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट थर्मल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, इनकी बात कर लें तो इनमें दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, देखिए पहला फर्स्ट वी हैव द भीरा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्लांट विच इज़ इन भीरा. कोयना हाइड्रो पावर प्लांट विच इज़ बेसिकली द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। और फिर आपका घाटघार का एक पावर प्लांट है जो कि आपका अहमदनगर में यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आई होप क्लियर हो गया आपको एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं एंड कौन कौन से आपके थर्मल प्लांट्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की विच आर प्रिवलेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इनमें सबसे पहले जो आपका नेशनल पार्क है विच इज़ चंडोली, देन वी हैव गुगामल, Navegaon, संजीव गांधी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बोरीवली नेशनल पार्क एंड देन वी हैव टडोबा नेशनल पार्क। सवाल आया था आपका पीएससी में, सवाल आया था कि विच नेशनल पार्क इज़ इन द मुंबई सिटी। द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वाज संजय गांधी नेशनल पार्क। सिमिलरली बात करें स्टेडियम्स की, नाउ गाइज अंडरस्टैंड मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन अ हब फॉर क्रिकेट। क्रिकेट के लिए मुंबई जो है वो एक हब रहा है, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रिकेट फनेटिक स्टेट। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द फर्स्ट स्टेडियम इज़ द DY पाटिल स्टेडियम विच इज़ बेसिकली इन नवी मुंबई। देन वी हैव द विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि नागपुर में आपका है। देन वी हैव द वानखेड़े स्टेडियम विच इज़ इन मुंबई। Then for football we have the Cooper Raj in Mumbai, JLN Stadium in Pune, Mahindra Hockey Stadium in Navi Mumbai, Francis Agnel Stadium Mumbai, then we have BPT Ground in Mumbai। तो ये stadiums आपके सामने दोस्तों यहाँ पर mention किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, let's focus now on the next and last parts। अब बात करते हैं हमारे आखिरी segment की, that is the segment of the cities। इनमें बिल्कुल नीलेश का आंसर आ रहा है, देयर इज़ अ नेशनल पार्क कॉल्ड एज गोदावरी। यस, गोदावरी नेशनल पार्क, वो भी आपका महाराष्ट्र में बना है, दैट इज़ द गोदावरी नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं, देन गाइज वी हैव नागपुर विच इज़ नोन एज द ऑरेंज सिटी, पुणे विच इज़ नोन एज द ऑक्सफर्ड फॉर द ईस्ट एंड क्वीन ऑफ द डेक्कन, Nashik is known as the wine capital of India, the grape city of India, the California of India, Mumbai बहुत सारे नाम है इसके, city of seven islands, financial capital of India, city of dreams, city of slums and skyscrapers, gateway of India, Hollywood of India, Max City ये इसके सामने है। सोलापुर की बात करें, textile city of India है, Manchester of India है and then we have कोल्हापुर जिसका नाम है city of wrestlers। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको लास्ट हमारी फेस्टिवल्स, उसमें गुधी पड़वा है, पोला है, चतुर्थी है, बाण गंगा है और एलोवेरा फेस्टिवल यहाँ पर आपके सामने देखिए हमने दे दिए हैं। तो फाइनली ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स गाइस। अब ये कुछ आखिरी था, इसको भी देख लीजिएगा, ये मॉन्यूमेंट्स है हमारे। महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा स्टेट है तो कई सारे यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर में है, सिद्धिविनायक गणपति मंदिर मुंबई में है, प्रभा देवी के पास, प्रभा देवी वही नाम है जो भी नाम पड़ा है एल्फिस्टन रोड का। देन वी हैव त्र्यंबकेश्वर नासिक में, भीमानकेश्वर पुणे में, देन द कार्ला केव्स इन लोनावला, एलिफेंटा केव्स नियर घारापुरी इन मुंबई, देन वी हैव छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई में, रायगढ़ फोर्ट रायगढ़ में, पन्हाला फोर्ट कोल्हापुर में और राजबाल का क्लॉक टावर इन साउथ मुंबई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। और एक बार वापस आ जाओ भाई, बचा हुआ है। और कुछ ट्राइब्स यहाँ पर जैसे उनका नाम है भील, गोंड, माडिया, कटकारी, कोली और ओरागन। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वापस ज़रा आ जाए। हाँ, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे पास भी 2500-3000 बच्चा आए, बिकॉज वी ऑल्सो वांट दैट टू हैपन सूनर, बिकॉज शो अच्छा करते हैं एंड लगातार करेंगे तो लोग भी आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ आप शो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, बिकॉज अगेन आई रिक्वेस्ट वी आर वांटिंग टू रीच 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय द 14th of August। थैंक यू सो मच गाइज और आपसे मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एंड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज। Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. और मजे की बात दोस्तों ये है कि ये show अब हिंदी में भी आएगा।